नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी, आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। भाजपा के समर्थन में इंदौर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर की प्रशंसा। इंदौर के रोशन सिंह भंडारी मार्ग पर एक खाली मैदान में लगी अचानक आग, मांगलिक कार्य का सामान रखा था मैदान में, सामान में लगी आग। राव खलगाट फोर लेन मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में दो युवक की हुई मौके पर मौत। इंदौर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के पक्ष में समर्थन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की। इंदौर के प्रेस क्लब आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हेमंत करकरे को भाजपा शहीद मानती है, इसलिए भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को करकरे पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का निजी बयान था और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात देश में पिछले 50 सालों से की जा रही है, लेकिन गरीबी के हित में मोदी सरकार ने काम किया है। इंदौर में मराठी मतदाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जात पात के नाम पर नहीं बल्कि मोदी और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ताई के बारे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ताई भाजपा का गौरव है और उन्हीं के आशीर्वाद से इंदौर में भाजपा की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करकरे जी को शहीद मानती है। करकरे जी ने देश के लिए अपनी जान दी है और जिस समय साध्वी जी ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। बाद में साध्वी जी ने भी उस बयान को वापस लिया, उन्होंने भी माफी मांगी। पर यह मैं उससे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट मत है, उससे भी मैंने कहा। इंदौर के रोशन सिंह भंडारी मार्ग पर एक खाली मैदान में अचानक आग लग गई। मैदान में मांगलिक कार्य होना था, इसी का सामान मैदान में पड़ा था जिसमें आग लगी है। इस मैदान में अक्सर स्थानीय रहवासियों के मांगलिक कार्य होते थे। मंगलवार को भी मैदान में शादी समारोह का आयोजन होना था, इसी को लेकर शादी सजावट का काम चल रहा था। वहीं स्टेज डेकोरेशन के सामान में अचानक आग लग गई। प्लास्टिक का सामान होने से आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के कुछ देर बाद निगमकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के राव खालगाड़ फोर लेन मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां हाईवे पर तेज चल रहे रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक छतरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव और एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने 19 मई को होने वाले मतदान को लेकर पत्रकारों से जानकारियां साझा की। इस अवसर पर जिले के उन दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि इस बार इंदौर लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान प्रतिशत में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लोकसभा चुनाव में इस बार 72% से ज्यादा मतदान हो, यह निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है। इस चुनाव में मतदाता को अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। पूर्व की तरह इस चुनाव में फोटो युक्त पर्ची के सहारे मतदान करने पर प्रतिबंध है। उधर इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस अमला हर समय मुस्तैद है। वारंट तामिली हो या गुंडा तत्वों की धरपकड़, इंदौर पुलिस हर मोर्चे पर सतत कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही रोजाना चेकिंग के दौरान भी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हो रही है। एसएसपी के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर पुलिसिया शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि अवैध शराब, ब्लैक मनी जैसी कार्रवाइयों को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 15 मार्च से किए जा रहे गेहूं उपार्जन के तहत अब तक जिले के सभी केंद्रों पर नियमित रूप से गेहूं खरीदी की जा रही है। इंदौर जिले में 47 संस्थाओं द्वारा 58 केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदी की जा रही है। 15 मार्च से 5 मई तक 50 दिनों में 66,450 मीट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है, जबकि कुल खरीदी का लगभग 96% गेहूं का गोदामों में भंडारण भी हो चुका है और 2,100 टन से अधिक गेहूं परिवहन के लिए विभिन्न केंद्रों पर ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है।
जिले में अब तक होने वाली कुल खरीदी 122 करोड़ की है, जिसमें 113 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। सहकारिता विभाग के उपायुक्त राजेश छत्री ने बताया कि 25 मई तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। गेहूं उपार्जन को लेकर क्या स्थिति है और कितना काम हो गया उसको लेकर? गेहूं उपार्जन में हम लोग 66,450 मीट्रिक टन अभी तक गेहूं किसानों से उपार्जित कर चुके हैं। जिले में 58 केंद्र हैं गेहूं उपार्जन के, और इसमें जो हमारा 66,162 मीट्रिक टन, मतलब लगभग 99% रेडी टू ट्रांसपोर्ट है और 97% हम लोग परिवहन कर भी चुके हैं, गोडाउन में जमा हो चुका है। और इसमें से 113 करोड़ का किसानों को पेमेंट भी हो चुका है। सर अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे विदेश।